हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टारगेट आईक्यू। आज मैं आपके सामने बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज़ को शुरू करने जा रही हूँ, आने वाले एग्ज़ाम KBS के जो है बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसको कवर करेंगे, उसका रिवीजन जो है फास्ट करेंगे, ताकि जो भी एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बहुत आसानी होगी रिवाइज करने में, क्योंकि बहुत ही कम दिन बचे हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम आज का चैप्टर है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। लेट्स स्टार्ट इट। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए करेक्ट मैच, इसमें कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। इकोसिस्टम जिसे फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर कहा जाता है ये करेक्ट है। ग्लोबल इकोसिस्टम एंटायर बायोस्फीयर को कहा जाता है ये भी करेक्ट है। एक्वाटिक इकोसिस्टम वेटलैंड को कहा जाता है ये भी करेक्ट है। डीनेचुरल इकोसिस्टम क्रॉप फील्ड, ये जो है वो करेक्ट मैच नहीं है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इन डेंस वेजिटेशन इज कॉल्ड, एक डेंस वेजिटेशन है, घनी जो है घना वेजिटेशन है, उसमें जो है अलग अलग स्पीशीज जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब ऊपर की तरफ नीचे से ऊपर की तरफ, तो उसे क्या कहा जाता है। स्ट्रेटिफिकेशन, स्पीशीज कंपोजिशन, स्टैंडिंग क्रॉप, ट्रॉपिक स्ट्रक्चर। करेक्ट आंसर है स्ट्रेटिफिकेशन कहा जाता है। टर्म इकोसिस्टम किसने कॉइन की गई है, टेंसले ने। सो द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट मैच नहीं है। इकोलॉजी की टर्म किसने दी थी, ई हैकल, अर्नेस्ट हैकल ने। इकोसिस्टम की टेंसले ने। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किसे कहा जाता है, आर मिश्रा में, मिश्रा। तो इसमें जो है सारे ठीक हैं, तो करेक्ट आंसर आएगा नन ऑफ द एबो। नेक्स्ट है, इसमें मैच कॉलम्स को मैच करना है, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। सिमिलर इंडिविजुअल, सिमिलर स्पीशीज, सेम स्पीशीज किसी एरिया में रहेंगे उसे पॉपुलेशन कहा जाता है। कम्युनिटी किसके कहा जाता है, एक जैसे इंडिविजुअल्स जो अलग अलग स्पीशीज से बिलोंग करते हैं वो एक एरिया में, असेंबलीज ऑफ ऑल द इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज ऑकरिंग इन एन एरिया। तो इस बी का बी ही आएगा। तो इकोसिस्टम किसको कहा जाता है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में इंटरेक्शन को इकोसिस्टम कहा जाता है। तो डी इकोस्फीयर जो है वो ये अर्थ का एक हिस्सा होता है जिसमें सारे इकोसिस्टम आते हैं, यानी पार्ट ए, पार्ट ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। करेक्ट आंसर आएगा इसमें ए का थर्ड, बी का सेकेंड। तो करेक्ट आंसर ए जो है करेक्ट आंसर आएगा। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फंक्शनल कंपोनेंट, इकोसिस्टम का फंक्शनल कंपोनेंट नहीं है। प्रोडक्टिविटी भी है, डिकम्पोजिशन भी है, एनर्जी फ्लो भी है, इकोलॉजिकल पैरामिड जो है वो इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं है, वो अलग टॉपिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ए बायोटिक कंपोनेंट, इकोसिस्टम का ए बायोटिक कंपोनेंट नहीं है। लाइट भी है, टेम्परेचर भी है, वाटर भी है, नन ऑफ द एबो। करेक्ट आंसर ये है कि इसमें नन ऑफ द एबो करेक्ट आंसर आएगा। नीचे पाई डायग्राम है, इसमें जो है जो ऑप्शन दिए गए पी क्यू आर को इसमें देखने, इसमें क्या क्या आएगा। सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिक मैटर के बाद जो है सबसे ज़्यादा क्या आता है पी में, मिनरल सॉल्ट। सॉइल के ये डिफरेंट कंपोनेंट्स है, सबसे ज़्यादा सॉइल में क्या पाए जाते हैं, मिनरल सॉल्ट, उसके बाद जो है वाटर होता है, फिर उसके बाद सबसे कम क्या होता है, बायोटा यानी हैबिटेट। नेक्स्ट है अरेंज द इकोसिस्टम इंक्रीजिंग ऑर्डर में, हमने इकोसिस्टम को अरेंज करना है इन टर्म्स किसके लिए, मीन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के टर्म में। तो सबसे ज़्यादा जो है सबसे कम जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, यानी सबसे पहले हमने कम देखना, सबसे कम जो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस में होती है, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में, उसके बाद टेम्परेट कॉनिफरस, कॉनिफरस फॉरेस्ट में ज़्यादा होता है यानी बी वाला पार्ट, उसके बाद आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उसमें उससे ज़्यादा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट उसमें उससे ज़्यादा होता है, फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। फिर रेट ऑफ कन्वर्ज लाइट एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में जो है कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के एक इकोसिस्टम में, उसे क्या कहा जाता है, उसे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है कम होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से। यस, ये स्टेटमेंट सही है।
जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो कम होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से, और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो उस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के इक्वल होती है माइनस में रेस्पिरेशन लॉसेस को रिड्यूस किया जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। द बायोमास जो अवेलेबल होता है मेड अवेलेबल बाय प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर बायोमास बनाते हैं कंजप्शन और कंजप्शन बाय हार्बीवोर्स एंड द डिकम्पोजर्स इज कॉल्ड, जो बायोमास अवेलेबल होता है यानी प्रोड्यूस करते हैं प्रोड्यूसर हार्बीवोर्स के लिए डिकम्पोजर्स के लिए कि कंजप्शन के लिए, तो उसे उन्हें क्या कहा जाता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डैश द रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर प्रोडक्शन, ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूमर जो है जिस रेट से प्रोडक्शन होती है ऑर्गेनिक मैटर की कंज्यूमर्स के द्वारा, उसे क्या कहा जाता है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। द रेट ऑफ फॉर्मेशन न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय रैबिट इन ए ग्रासलैंड, जब नई ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्मेशन होती है रैबिट से बाय रैबिट ग्रासलैंड में, उसे क्या कहा जाता है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी उसे भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, लाइट एंड टेम्परेचर वाटर न्यूट्रिएंट्स फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसर ऑल ऑफ द इज, करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबो। एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होल बायोस्फीयर की कितनी है, पूरी बायोस्फीयर की जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी है, 170 बिलियन टन्स। सो वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट लीस्ट प्रोडक्टिविटी किस में होती है, ओपन ओशंस में सबसे कम प्रोडक्टिविटी, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोडक्टिव सिस्टम, सबसे ज़्यादा किस में होती है, अभी जो हमने पढ़ा था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। प्रोडक्टिविटी एट द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज, जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, वो जो पहले वाले ट्रॉपिक लेवल से थोड़ी कम होती है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट, लेस देन द प्रोडक्टिविटी एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, फिर सेकेंड नंबर पे जो है प्रोडक्टिविटी उससे कम होती है। फ्रेगमेंटेशन लीचिंग एंड कैटाबॉलिज्म जो है इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं डिकम्पोजिशन के, तो हमने सेलेक्ट करना है नीचे करेक्ट ऑप्शन, इसमें से जो कौन सी जो है डेफिनेशन लीचिंग के लिए, फ्रेगमेंटेशन के लिए और कैटाबॉलिज्म के लिए। लीचिंग क्या होती है, वाटर सॉल्युबल लीचिंग होती है वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जब सॉइल में जाते हैं सॉइल हराइजन में और प्रेसिपिटेट बनते हैं एज अ साल्ट, तो उसे कहते हैं लीचिंग। जब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट सॉइल में जाते हैं और सॉल्ट बनाते हैं उन्हें लीचिंग कहा जाता है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जब डिट्रिटिव वोर्स यानी जब अर्थवर्म वगैरह जो होते हैं वो डिट्रिटस को जो डेड पार्टिकल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करके स्मॉल पार्टिकल्स में कहते हैं, उसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। और कैटाबॉलिज्म क्या होता है, जब डिकम्पोजर जो है वो सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम और डिग्रेड करते हैं डिट्रिटस को सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, उन्हें कैटाबॉलिज्म कहा जाता है। करेक्ट आंसर है सी, वाटर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट जब सॉइल में जाते हैं सॉइल हराइजन में तो उसे लीचिंग कहा जाता है, फिर पहले वाले को जो डिट्रिटस ब्रेक डाउन होता है उसे फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है, थर्ड वाले को कहा जाता है कैटाबॉलिज्म। नेक्स्ट पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन द फिजिकल एंड केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इंटू सिंपल ऑर्गेनिक मैटर, जब कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है फिजिकल और केमिकल ब्रेक डाउन होता है ऑर्गेनिक मैटर का सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सबस्टांसिस में, तो ये भी सही है। ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस फ्रॉम डिट्रिटस और ऑर्गेनिक मैटर, तो ये भी सही है, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट आएंगे।
नेक्स्ट है ये कॉलम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसको कहा जाता है, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्शन को। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, जिसमें ओ टू जरूरत है, ओ टू रिक्वायरिंग प्रोसेस। पौन जो है वो क्या है, सेल्फ सस्टेनेबल इकोसिस्टम। क्रॉप फील्ड जो है वो क्या है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। और ई जो है एक इसका आएगा ऑटो रिक्वायरिंग प्रोसेस। डी का आएगा क्रॉप फील्ड का आएगा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। सी का आएगा सेल्फ सस्टेनेबल इकोसिस्टम। तो करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमस का करेक्टरिस्टिक नहीं है। इट इज़ रिच इन ऑर्गेनिक मैटर सच एज लिगिनिन एंड सेलुलोज। ये ऑर्गेनिक मैटर इसमें कौन कौन से लिगिनिन और सेलुलोज होता है, ये सही है। ये कोलाइडल इन नेचर है और ये रिजर्वायर है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का, ये भी सही है। ये हाईली रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबल एक्शन का और इसमें डिकम्पोजिशन बहुत स्लो होती है। इट्स फर्दर डिग्रेडेड बाय प्रोसेस ऑफ ह्यूमिफिकेशन। तो इसमें जो है ये ऑप्शन गलत है, तो ये करेक्टर नहीं है ह्यूमस का, डीप ऑप्शन इसमें है। 24 ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन के दौरान क्या होता है, ओ टू कंज्यूम होता है, सी ओ टू रिलीज होता है। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन किस पे डिपेंड करता है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ डिट्रेटस। उसकी केमिकल कंपोजिशन कितनी है, टेम्परेचर पे, सॉइल मॉइस्चर और सॉइल पीएच पे। तो करेक्ट आंसर है डी। डिकम्पोजर्स को और क्या कहा जाता है, रिड्यूसर माइक्रो कंज्यूमर। करेक्ट आंसर है डी। जो अल्टीमेट सो एनर्जी सोर्स जो सारे इकोसिस्टम के होते हैं वो क्या होते हैं, अल्टीमेट एनर्जी सोर्स जो सारे इकोसिस्टम का अल्टीमेट एनर्जी सोर्स कौन सा, प्रोड्यूसर तो नहीं है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तो नहीं, कार्बोहाइड्रेट, तो जाहिर सी बात है ये सोलर रेडिएशन है। गिवन फिगर रिप्रेजेंट दो इकोसिस्टम इसमें रिप्रेजेंट करता है, इसमें हमने बताना है एक्स और वाई जो है वो किस तरह से एक दूसरे से लिंक होते हैं और फूड वेब बनाते हैं। ये दो फूड चेन्स हैं एक्स एंड वाई। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ फूड चेन एक्स एंड वाई एंड ऑर्गेनिज्म ए दैट इंटरकनेक्ट्स दीज फूड चेन। हमने इसमें ऑर्गेनिज्म ए को पहचानना है, एक्स और ये भी पहचानना है एक्स कौन किस तरह का फूड चेन है और वाई कौन किस तरह का फूड चेन है। लिविंग ओक लीफ मॉथ कैटरपिलर इंसेक्टिवोरस बर्ड हॉक, ये जो है डिट्रेटर्स फूड चेन है, सॉरी ग्रेजिंग फूड चेन है। और डेड ओक लीफ डैश और श्रिव और हॉक, ये जो है ये ग्रेजिंग फूड चेन है। और इसमें जो ए जो है इसमें जो दिया है इसमें ये जो है ये डिटेटो वोर है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज ए बी एंड सी गिवन टेबल। गिवन टेबल में हमने देखना है जो ए बी और सी इधर क्या आएगा। ईगल इसका ट्रॉफिक लेवल ए जो है ट्रॉफिक लेवल देखना है, ये टॉप कार्निवोर है। उसके बाद अर्थवर्म प्राइमरी कंज्यूमर है, इसका फूड चेन कौन सा है,
ये डिट्रिटस फूड चेन है। तो अब जो है इसका ट्रैफिक लेवल क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है रीड द गिवन स्टेटमेंट सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हार्बीवोर आर ऑल्सो कॉल फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर से इसको कहा जाता है। हार्बीवोर्स ऑब्टेन देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट। तो दोनों ही ऑप्शन सही है। तो ए जो है करेक्ट आंसर है। परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इन द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन में कितने परसेंट जो है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होते हैं। लेस देन 50%। परसेंटेज ऑफ पार दैट इज कैप्चर बाय प्लांट्स इन सिंथेसिस ऑर्गेनिक मैटर बनाने के लिए, जो प्लांट्स कैप्चर करता है पार को यानी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन को, कितना होता है, 2 से 10%। सेलेक्ट द इनकरेक्ट फूड चेन इसमें से कौन सा है, ग्रास, ग्रास ओपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल। ये भी करेक्ट है। फाइटोप्लैंकटन, जू प्लैंकटन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश। ये भी सही है। डायटम, जू प्लैंकटन, स्मॉल फिश। ये भी सही है। तो इनकरेक्ट इसमें ग्रास, फ्रॉग, वल्चर है। ये एक फूड वेब है और हमें आंसर देना है क्वेश्चन 34 और 35 का इसमें से। अच्छा, द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म जो इसमें गिवन फूड वेब में है एक्ट करता है सेकेंडरी कंज्यूमर। इसमें से सेकेंडरी कंज्यूमर कौन कौन सा एक्ट करता है। थर्ड एंड फिफ्थ, थर्ड एंड फिफ्थ, क्योंकि ये जो है ये पहला कंज्यूमर है, ये दोनों पहला कंज्यूमर, और ये जो है ये दोनों सेकेंडरी कंज्यूमर हैं। इसे थर्ड और फोर्थ सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द गिवन फूड वेब एक्ट एज अ प्रीडेटर और प्री जो है दोनों में है, सेम है। तो इसमें जो है ये टेडपोल, वाटर बोटमैन, ये जो है इसको, ये प्रे भी है और प्रेडेटर भी है। इसको खाता है, उसको भी कोई और खाता है। ये भी वाटर बोट में इसको भी कोई खाता है, ये भी इसको खाता है, इसको खाता है। तो और क्या है, बाकी ऑप्शन भी है। V1 वी वाला भी है, V1 वाला भी है जो हमने पीछे पढ़ा, और V2 ये वाले जो हैं ये सारे प्रे और प्रोडक्ट प्रीडेटर दोनों ही एक्ट करते हैं। नेक्स्ट है, इसमें जो ये एक फूड वेब है इसमें 1, 2, 3, 4 ऑर्गेनिज्म को पहचानना है। ये जो वेजिटेशन है यहाँ पे, वेजिटेशन इसको कौन खाएगा, सब डियर, यहाँ पे डियर आएगा। डियर जो है वो वेजिटेशन को खाती है, उसको लाइन खाता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आएगा फॉक्स जो है किसको खाता है, रैबिट को खाता है। और उसके बाद थर्ड जो है यहाँ पे ग्रास होपर को कौन खाता है, फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक खाता है। फिर फोर्थ आएगा वेजिटेशन को डैश, यहाँ पे रैट, रैट को हॉक खाता है। तो करेक्ट आंसर जो है वो ए आएगा। नेक्स्ट है कॉलम ए और बी को जो है वो कनेक्ट करना है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है उसको, रेट ऑफ सिंथेसिस ऑर्गेनिक मैटर, कंज्यूमर्स जो है ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसको कहा था, टोटल ऑर्गेनिक मैटर जो प्रोड्यूस होता है सोलर एनर्जी से, जो इतना भी ऑर्गेनिक मैटर बनते हैं उसे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है, यानी फर्स्ट का थर्ड आएगा। उसके सेकेंड, उसके बाद आता है
सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किसको कहा जाता है? रेट ऑफ सिंथेसिस ऑर्गेनिक मैटर बाय, इसका ये आएगा ट्रांसड्यूसर, ग्रीन प्लांट्स को कहा जाता है, ट्रांसड्यूसर ग्रीन प्लांट्स को कहा जाता है, और फूड वेब जो इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन, इसका फर्स्ट ऑप्शन आएगा। ये भी फूड वेब है। इन द गिवन फूड वेब एंड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन हॉक विल नॉट रिजल्ट इन, अगर पॉपुलेशन हॉक की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाती है तो उससे जो है क्या रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है, अगर इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है तो फिर क्या होगा, जो ग्रास ओपर है उसकी पॉपुलेशन जो है डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास ओपर नहीं हो पाएगी है, अगर ये जो है इसके जो है ये इंक्रीज होते हैं। करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट, इन एक्वाटिक द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एट द ट्रॉफिक लेवल इक्विवेलेंट टू काउज के इक्विवेलेंट जो होते हैं ग्रासलैंड में, तो एक्वाटिक सिस्टम में वो कौन सा है होता है जो ग्रासलैंड में काउज होते हैं, तो करेक्ट आंसर है जू प्लैंकटन। द मोमेंट एनर्जी लोअर टू हायर ट्रॉफिक लेवल उसे वो क्या होती है, हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है। अगर 10 इफ 10 जूल एनर्जी अवेलेबल एट प्रोड्यूसर लेवल देन अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर, तो वो कितनी होगी, वो होगी जब एक जो 10% 10 जूल ऑफ एनर्जी अगर प्रोड्यूसर लेवल पे होगी तो सेकेंडरी कंज्यूमर के पास कितनी होगी, वो 0.1 जूल होगी, क्योंकि 10% जो है वो हर ट्रॉफिक लेवल पे रिड्यूस होती जाएगी। जब इसको हम प्राइमरी कंज्यूमर पे ले जाएंगे 1, तो उस तरह से इसको 10% काम करना है, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा 0.1 जूल। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फूड चेन एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस, इसमें से करेक्ट वन को चूज करना है। 80% टाइगर जो है फ्रॉम एन एरिया रिजल्ट इन ग्रेटली इंक्रीज, उसमें जो है वेजिटेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी अगर हम 80% टाइगर्स को रिमूव करेंगे, तो ये ऑप्शन गलत है। रिमूवल ऑफ मोस्ट ऑफ द कार्निवोर रिजल्टिंग इन इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ डियर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। वो सही है। लेंथ ऑफ फूड चेन इज जनरली लिमिटेड टू 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल ड्यू टू एनर्जी लॉस की वजह से, जो लेंथ है फूड चेन की वो 3 और 4 ट्रॉफिक लेवल तक ही लिमिटेड है, तो ये भी ऑप्शन सही है। द लेंथ ऑफ फूड चेन मे वेरी फ्रॉम 2 to 8 ट्रॉफिक लेवल्स, ये गलत है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, बी यानी सेकेंड एंड थर्ड, सॉरी, ओपन ओशन है जिसमें बायोमास जो प्राइमरी प्रोड्यूसर का वो कम होता है, बायोमास ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल एज इलस्ट्रेटेड बिलो इन इन्वर्टेड पैरामिड ऑफ बायोमास। हाउ कैन बी एनफ फूड इन ओपन ओशन टू सपोर्ट द हायर ट्रॉफिक लेवल, इसमें से हमने ऑप्शन देखना है। ओपन ओशन का जो है ये पैरामिड बनाया गया है जिसमें सबसे कम माइक्रोस्कोपिक एल्गे है, उसके ऊपर ज़ूप्लैंक्टन्स और फिशेस जो है सबसे ज़्यादा बड़ी हैं, बड़ी बड़ी फिशेस हैं, उनका बायोमास बहुत ज़्यादा है, तो ये कह रहा है कि कैसे एनफ होता है, किस तरह से जो है फूड जो है ओपन ओशन में हायर ट्रैफिक लेवल तक पहुँचेगा, इसका ऑप्शन क्या आएगा, तो माइक्रोस्कोपिक प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है होते हैं वो सोर्स होते हैं फूड ऑफ हाई क्वालिटी के, उस माइक्रोस्कोपिक प्राइमरी प्रोड्यूसर है हाई रेट्स ऑफ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, इनकी ज़्यादा होती है और ग्रोथ भी इनकी ज़्यादा होती है। द माइक्रोस्कोप प्राइमरी प्रोड्यूसर लेस अबंडेंट द हायर ट्रॉफिक कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स विच डू नॉट रिक्वायर ज़्यादा फूड की उनकी ज़रूरत नहीं है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही आएगा, बी
जो माइक्रोसॉफ्ट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। अगर वो एक टाइम अगर उनको उनको कंज्यूम कर लेते हैं तो वो इतनी जल्दी ग्रो करते हैं कि दूसरे टाइम में वो तब तक ग्रो कर जाते हैं। जब तक एक जगह वो खाते हैं दूसरी जगह जो है वो ग्रो हो जाती है और उसकी रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। गिवन फिगर रिप्रेजेंट पैरामिड ऑफ बायोमास को रिप्रेजेंट करते हैं इकोसिस्टम में, ठीक है। तो ए जो है क्रॉप है जो सपोर्ट करती है और बी जो है क्रॉप जिसको सपोर्ट किया जाता है। ए इज द क्रॉप जिसको सपोर्ट किया जाता है, दूसरी जो है वो सपोर्ट करती है। ए फाइटोप्लांकटन, बी जूप्लांकटन। ए जूप्लांकटन, बी फाइटोप्लांकटन। तो इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट आंसर क्या आएगा। इसमें जो है फर्स्ट एंड थर्ड जो है करेक्ट आंसर यानी सी जो ऑप्शन सी है। ए क्रॉप है जो सपोर्ट को सपोर्ट करती है, बी जो है वो क्रॉप होती है जो सपोर्ट करती है, तो और थर्ड है ए फाइटोप्लांकटन से बी। ये किस तरह का पैरामिड है? प्राइमरी प्रोड्यूसर जिसमें कम है और ये जो है अभी हमने पढ़ा था ये एक्वाटिक इकोसिस्टम है पैरामिड ऑफ बायोमास। एनर्जी एंड बायोमास रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल कैन बेटर एक्सप्रेस बाय। जो एनर्जी और बायोमास का रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे, उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? फूड चेन से, फूड वेब से, इकोलॉजिकल पैरामिड से, एनर्जी साइकिल से। द करेक्ट आंसर है इकोलॉजिकल पैरामिड से। स्टडी द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पैरामिड को हम केयरफुली स्टडी करेंगे। ये है तीन पैरामिड्स। मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड विद गिवन पैरामिड ए बी एंड सी। तो इसमें बता रहा है कि ए पैरामिड कौन सा है, हमें पता इन्वर्टेड वाला सी आएगा। ये इन्वर्टेड है बायोमास डिपिक्टिंग जिसमें स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप जो है फाइटोप्लांकटन के सपोर्ट करते हैं, लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप और जूप्लांकटन, ठीक है। सी ऑप्शन जिसमें ए आएगा। ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही आएगा जिसमें सी का फर्स्ट आएगा। ए जो है वो सेकंड है, उसकी डेफिनेशन सेकंड है। पैरामिड ऑफ नंबर या ग्रास लैंड इकोसिस्टम शोइंग अवर 6 मिलियन प्रोड्यूसर। और फिर थर्ड जो है ये है बिल्कुल बी पार्ट जो है, बी पैरामिड जो है तो उसका थर्ड है कि अपराइट पैरामिड ऑफ बायोमास। तो करेक्ट आंसर ए है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट वंस। फॉलोइंग स्टेटमेंट को रीड करो और सेलेक्ट करो इसमें से करेक्ट वन। गिवन स्पीशीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम। प्रोडक्टिविटी ऑफ एन एक्वाटिक इकोसिस्टम इज लेस देन, ये कम होती है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से। प्रोड्यूसर कंस्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ ए डिट्रिटस फूड चेन। करेक्ट आंसर है ए, फर्स्ट और सेकेंड जो है ऑप्शन वो सही है। जो एक गिवन स्पीशीज है वो एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल में सेम इकोसिस्टम में सेम टाइम पे हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये जो एक्वाटिक इकोसिस्टम जो है उसका प्रोडक्शन जो होते हैं वो कम होती है टेरेस्ट्रियल। एक वीडियो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हम दूसरी पार्ट में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।